दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामी नारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह में। दोस्तों, चैरिटी दान परोपकार हर एक रिलीजन दान धर्म करना एनकरेज करता है। तो ये दान ये चैरिटी क्या है? कहते हैं, चैरिटी इज द डिस्पोजिशन टू थिंक फेवरेबली ऑफ अदर्स एंड डू देम गुड। इन अ जनरल सेंस चैरिटी मीन्स लव, बेनोविलेंस एंड गुडविल। तो दोस्तों, दान हम किसे कहेंगे? दान किसे देना चाहिए? दान देते समय अंदर कैसे भाव होने चाहिए? क्या दान करने से हमें कोई लाभ होगा? चलिए जानते हैं दान के बारे में और बातें हमारे आत्मज्ञानी से। बोलिए। मन और बुद्धि संबंधित मैंने प्रश्न लिखे हैं, तो मेरा पहला प्रश्न यही है कि जब हम पैसा वगैरह या कुछ दान वगैरह करते हैं तो मन से ये विचार आता है कि इससे पुण्य का बंधन होगा, तो वही पुण्य के बंधन ना हो और उसके विचार ना है, उसके लिए अपन क्या प्रयत्न करें या क्या मार्गदर्शन? दान देने का बंद नहीं करने का, कर्ता भाव निकाल देने का, देवांगन अरविंद देता है मैं शुद्ध आत्मा, ऐसे रखने का। आपने ज्ञान लिया ना? हाँ जी, 2006। हाँ तो ज्ञान की जागृति में रहो, ये फाइल है, सम भाव से निकाल करते हैं। इसी का मतलब अच्छा हो जाए या कुछ देखते हैं तो, हाँ तो अच्छा करने का है। देवा अरविंद जी को बोलने का, आप अच्छा करो, किसी को दुख ना हो, ऐसे व्यवहार करो। और भीतर में मैं अरविंद हूँ, मैंने किया, ये अहंकार को जागृति से डिजोल्व करने का, समझे? अच्छा करने में हरकत नहीं, और भीतर में करने वाला अरविंद है और मैं शुद्धात्मा हूँ, ये जागृति में रहना है हमें। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही नोबल कॉज की, चैरिटी यानी के दान की। तो दोस्तों, यह दान हम किस लिए करते हैं? हमारी मन की शांति के लिए, सोसाइटी में मान मर्तबा बढ़ाने के लिए, या फिर दान देकर अनेक गुना पुण्य पाने के लिए? चलिए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे आत्मज्ञानी से। जी भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। जो दान करते हैं, जैसा गरीबों को खाना खिलाते हैं या कबूतर को भोजन कराते हैं, तो क्या व्यवस्थित है? व्यवस्थित है ना, ज्ञान के बाद तो व्यवस्थित है। सुरेंद्र जी करते हैं, आप शुद्धात्मा, फाइल का निकाल करने का। हमारे लोक की ग्रंथि तोड़ने के लिए दान करते हैं, नहीं के पुण्य कमाने के लिए दान करने की जरूरत है। और सिमंदर स्वामी को मंदिर में दान दिया तो हम सिमंदर स्वामी के साथ, उनके साथ हमारा चित्त एकाग्र हो जाए, हम ऋणानुबंध बांधे, इसके लिए दान करते हैं। और जगत के लोग दान पुण्य कमाने के लिए करते हैं, और हमें पुण्य कमाने का नहीं, हमें कर्मों से छूटना है। तो हमारी भावना है कि लोक की ग्रंथि, किसी को हमेशा मनुष्य का स्वभाव के ग्रहण करना है, तो लोक की ग्रंथि बढ़ती है। लोक की ग्रंथि तोड़नी है तो दूसरे को देने का सीखो। तो उसमें पुरुषार्थ माना जाता हो, मतलब वो ग्रंथि टूटने का पुरुषार्थ है, मगर इतना समझने का, सुरेंद्र जी दान देते हैं कि शुद्धात्मा दान देता है? तो सुरेंद्र, हाँ तो आप सुरेंद्र जी है कि शुद्धात्मा हो? शुद्धात्मा। हाँ तो सुरेंद्र जी फाइल वन है, उसका संभाव से निकाल करो। और लेने का इच्छा हुआ नहीं, भाई बोलते झूठ बोलना पड़ता है बिजनेस में, तो भी फाइल है, और दान देना पड़ता है वो भी फाइल है, संभाव से निकाल करो। आपको क्या करना है, कमाने का है पुण्य? नहीं, कमाने का नहीं है, लोभ कम करने का है, तो फिर वही समझ के देने का। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, और आज हम बात कर रहे हैं चैरिटी यानी के दान के बारे में। तो दोस्तों, दान देना यानी अपना कुछ देकर दूसरों के सुख की सद्भावना करना। चलिए जानते हैं दान के बारे में और बातें हमारे आत्मज्ञानी से। फलवन की प्रकृति में है कि अगर कहीं चैरिटी वगैरह में कुछ भी खर्चे के लिए पैसा मिलता है तो मैं दान कर देती हूँ, और लग्जरी सामान खरीदने में इंटरेस्ट मेरा नहीं रहता है। लेकिन उस समय मैं घर में फाइटों को या और किसी को बताती नहीं हूँ, बाद में बता देती हूँ,
तो क्या ये प्रकृति का मतलब दोस्त का ढकना हुआ कि उपराण हुआ मेरा? हाँ, मगर पराया के सुख के लिए वापरा है ना। हाँ, वो लोग डाकते हैं बाद में, उसको बताया के बाद में वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमको थोड़ा फटकारते भी हैं। फटकारते भी है? हाँ। ज्यादा क्यों दान दे देती हो? हाँ। हाँ, तो और मेरी मेरी अंगत जो खर्चा है मैं उसमें बचा के दान देती हूँ। ज्यादा मेरा खर्चा मैं नहीं वापरती हूँ और दान करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है दूसरे को दान देने में। बता के बीबी उनको समाधान करे, हो जाए, ऐसे करना चाहिए। लोग व्यवहार में भी जैसे कहीं फाइटों का अगर मन रहता है कि 50 में काम करो, तो मुझे लगता है आज के आधुनिकता में ये 50 में कुछ नहीं होगा, उसका डबल मैं कर देती हूँ। तो कभी कभी तो मैं प्रकृति को धक्का चढ़ा देती हूँ कि मुझे डांट पड़ेगा, तो ये मेरा तो उपराण हुआ। हुआ तो सही, पर उपराण में क्या हमारे खुद की गलतियों का रक्षण नहीं करना है? और दूसरे को हेल्प हो गया तो फिर ट्राई करो, बाकी नहीं तो बताओ कि देखो मैंने, आपने बताया 50 में पूरा करना है, मगर हमारे पास थे भी पैसे और 50 में पूरा नहीं हो सकता था, इसके लिए 100 में पूरा हुआ है, माफ करना हमारे को। बताने के लिए मैं बताती हूँ, फटकार लगती है मेरे को। फटकार लगती है तो क्या बोलेंगे? मैं सब फिर अपने एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि मेरी गलती है, तो आगे ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन बार बार वही काम करती हूँ। हाँ, मगर चैरिटी करना, दूसरे को हेल्प करना, उसमें ज्यादा नुकसान नहीं है? पर देखो घर वाले को दुख होता है तो फिर नहीं करोगे तो भी अच्छा है, इनको समाधान मिले ऐसे करो। मेरी इच्छा है कि मुझे इधर ऐसा चैरिटी करनी है या इतनी हेल्प करनी है, मेरी भावना है, जब सुविधा हो गई तो देना, नहीं तो मेरे पास जो बचते हैं खर्चे मैं लग्जरी में नहीं डालती हूँ और चैरिटी में डालती हूँ। मेरी इच्छा इतनी है, मुझे करने दो, ये उम्र में मुझे दूसरा तो मैं क्या कर सकती हूँ, इतना करने दो। और मेरे पास एक्स्ट्रा कोई फाइल भी नहीं है, हम केवल फाइल 1 फाइल 2 ही है। तो मेरे मन में ये भाव बार बार आते हैं कि ये इसका क्या ठिकाना, कब ये शरीर छोड़ेगा, तो इसको कहीं सही सदुपयोग कर। सही बात है आपकी, समझा के करो तो अच्छा है। और फिर भी वो क्या है कि लोभ की ग्रंथि ऐसी है ना, आपको ज्यादा पैसा दान देना है तो घर वाले को ऐसा लगता है पैसा बचाना चाहिए। दोनों प्रकृति अपोजिट होती है, उनको ऐसा लगता है समाधान करके सॉल्यूशन निकालो। और एक बात और है पूज्य से, आप जो कहते हैं कि अभी अभी आपने उदाहरण दी के समझाया कि आहारी आहार करता है, ऐसा हमें समझना है कि ये प्रकृति कर रही है, चंदुभाई कर रहा है, शुद्धात्मा नहीं कर रहा, लेकिन ये निरंतर तो जागृति रहती नहीं है, तन्मय कान हो जाता है प्रकृति में। कोई बात नहीं, क्योंकि हमने कर्म खत्म किए बिना ज्ञान पाया है, तो कर्म का फोर्स से अजागृति से लगता है कि मैंने किया, तो 2 घंटे आधा घंटे के बाद जागृति आएगी, तब वापस जुदा कर दो। ये सब फाइल 1 का है, मेरा नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसे जुदा कर देने का, थोड़ी थोड़ी देर, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे, जब जागृति आ गई तो पिछले 1-2 घंटे का सब व्यवहार में चेक कर ले और जुदा कर दोगे, सब प्रकृति का है, फाइल 1 का है, मैं जुदा हूँ। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, और आज हम बात कर रहे हैं चैरिटी की। और दूसरे ऐसा है कि अभी इस उम्र में मेरे को थोड़ा आर्थराइटिस है, तो मेरे को फाइल 2 जो अपेक्षाएं हो जाती हैं किसी किसी चीज की, उठना बैठने में कष्ट होता है, तो उसमें भी थोड़ा सा नोक झोक हो जाता है। हाँ, मगर जितना अभी जितनी हेल्प मिली उतनी लेनी है, नहीं तो भी उम्र वाले हैं, हम जोर से उठने जाएंगे वो गिर जाएंगे बेचारे, तो उनको कौन ध्यान रखेगा बाद में, धीरे धीरे संभाल के रास्ता निकालते रहने का। वो तो स्टील बॉडी है पूजी श्री, स्टील बॉडी है, स्ट्रांग बॉडी है, स्टील बॉडी है। अच्छा। तो फिर प्रेम से युद्ध में हमारे साथ वाले तो है, ये माइक दो इधर, स्ट्रांग है आप। तो अभी इतने इतनी अच्छी भावना है उनको, तो अच्छा ही है, चैरिटी करने दो। प्रणाम पूजी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा एक भाव है सर, जैसे कोई भी चीज है जिस लायक है उसको वैसा दीजिए जहाँ वो सुखी हो। जैसे जवान आया पैसा मांग रहा है, ये कर तुम्हें बोलता, उसको मत दीजिए, जो मजबूर हो उसको सहायता कर दीजिए, तो वहां चलेंगे। बोले आप चुप रहिए, मैं दे रही हूँ, दे रही हूँ,
जैसे अभी आ रहे थे टैक्सी वाला बोला मेरे को 600 रुपया चाहिए और गए थे, मैं बोला भाई उससे थोड़ा कम करवा लेता, बोले चुपचाप रहिए मैं दे देती, वो दे दिए, इसके बाद स्टेशन लाए, इसके बाद बोले कुछ और दे दीजिए, तो मैं बोल दिया भाई कि अब पैसा कमाया हूं ऐसा नहीं है, लेकिन जो मांग लिया उसको दे दिए, फिर ऊपर से बोलते दे दो, यही लोग जो होता है बाकी के लिए कुछ नहीं होता, न खाने में पीने में घूमने में कोई कुछ परेशानी नहीं, केवल देन लेन में वही आएगा, जाने हमारे पास है नहीं कुछ बचाए नहीं, उसके लिए चिंता नहीं है, चलने दो चलने दो, ये लोग की ग्रंथि छूटे अच्छा ही है, नहीं लोग नहीं है मेरे पास, हाँ नहीं हरकत, मैं बोलता हूँ वैसे जगह दीजिए जहाँ सार्थक हो, अब लोग भीख मांगने आए जवान है आटा काटा है, बोलता माँ जी दे दो, बोले ठीक है मैं दे दिया दे दिया, मेरा यही थिंकिंग रहता है, दादाजी की किताब है दान, वो पढ़ाई करना, दादाजी बताते कि ये भाई साहब बताते हैं, इसे दादाजी ने भी बताया कि अट्ठा कट्ठा पहलवान है उसको रुपया दोगे धीरे से उधर जाके पी के आएगा दारू बारू, उसके बदले उसको नाश्ता का पैकेट दो वो खाएगा और दूसरे को भी खिलाएगा, मुझे ऐसे ही लगता है पूजी श्री, अरे गरीब आदमी दरवाजे पे आया दे देने से क्या हो जाएगा, हाँ तो उसको कुछ आटे दे दो पाव ब्रेड दे दो कुछ खाना पीना के दे दो, और थोड़ा रखो घर में ऐसे खाने की आइटम रखो या कुछ नाश्ते की आइटम रखो, थोड़ा भर के दे देने का उसको, और जरूरतमंद को ये बताते हैं तो गलत भी नहीं है, क्योंकि लोग तो आजकल है ना पैसा इकट्ठा करते हैं पी भी डालते हैं ऐसे भी करते हैं, यानी अभी धीरे धीरे एक दूसरे को समाधान पूर्वक आगे बढ़ो, उनको लगता है कि हाँ बरोबर है तो हम भी चलो देंगे उधर, रुको तो रुकेंगे नहीं सर, कुछ ऐसा है कि अब जब दे देते हैं तब हमको बताते हैं, पहले नहीं बताएंगे वो तो बताती है खुद बाकी कोई झंझट नहीं कुछ नहीं, केवल किसी के लिए करो, हो सके हम हमारा इन्फॉर्मेशन दे दिया कि ऐसा हमारी इच्छा है, इनको जो करना है करने दो, फिर भी मैं बोल देता हूँ ठीक है चलो भाई जो हो गया हो गया, फटकार लगती है लेकिन बाद में मैं क्षमा मांग लेती हूँ, बराबर है कि आगे नहीं करूंगी, लेकिन वही वही बार बार प्रकृति में अच्छा है, अच्छा है लोगों को देना अच्छा है, लूट लेने से बदले दान देना ज्यादा अच्छा है, नहीं मैं बोल सही बात तो है, और स्त्री प्रकृति में ये दूसरे को देने की बात आ गई और देती है तो अच्छा है, रोक टूटेगा उनका, ऐसा है कुछ श्री जहाँ 500 में काम होता है वहाँ 1500 खर्चा करते, मैं बोला भाई उतने में काम चला लो, हाँ मगर अभी हमारा तो नोटिस बोर्ड बताने का 500 के बदले 1500 देने की जरूरत नहीं, नोटिस बोर्ड बाद में देखेगी उसको जो करना है कर, यहाँ बोर्ड रहते हैं ना भोजनालय मंदिर सत्संग हॉल, तो जहाँ देखेंगे जहाँ जाना है जाने दो, हमारा इन्फॉर्मेशन देने की मेरी इच्छा है ऐसे करो तो अच्छा है, हम योग्य जगह पे योग्य पैसा वापरे तो अच्छा है, छोड़ दो बाकी, ये भी बोलते मेरी प्रकृति है रुका नहीं जाता, हो जाता है तो हो जाने दो, नुकसान नहीं होएगा क्योंकि देने से कभी पैसा कम नहीं होता है, आएगा कहीं से भी, नहीं बोलता हूँ दीजिए लेकिन छोड़ दो, जिसने ये प्रकृति मेरी कैसे काम होगी जिसे ना हो, इनके अधीन रहने का गुरु हमारे घर में ही है, आपको क्या लगता है मेरी इच्छा इधर देना चाहिए, बोलेगा आधा दो आधा मत दो, ओके आधा दो आधा मत दो, वो बोले नहीं देने जरूरत बंद रखो, हाँ देना चाहिए तो दे दो, गुरु के अधीन रहो चलने दो, जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर एक सवाल को, तो दोस्तों दान ऐसा हो जो किसी को पता ना चले, दाएं हाथ दे और बाएं हाथ को भी पता ना चले, और उसके पीछे कोई भी अल्टीरियर मोटिव ना हो, जगत कल्याण की भावना से दान हो। और दोस्तों पूज्य दादाजी बताते हैं कि सिमंद स्वामी के मंदिर में दिया गया दान उचित कहलाता है, क्योंकि सिमंद स्वामी वर्तमान तीर्थंकर है और वहाँ दान देने से उनके साथ हमारे ऋणानुबंध बनते हैं और हमारे मोक्ष मार्ग की सारी कठिनाइयां दूर होती है। ऐसे ही व्यवहारिक और आध्यात्मिक सोल्यूशन पाने के लिए सुनना ना भूलें नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1-877-505-3232 extension 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गिव विद फेथ, जय सच्चिदानंद।